हेलो डागो, तो आप लोग कैसे हो? मैं आपका स्वागत करता हूँ ब्लॉग के एक नए वीडियो में। सो आज हम देखेंगे चैप्टर 274, नो लॉन्गर राइवल्स। सो बिना टाइम वेस्ट के या शुरू करते चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। सो चैप्टर की शुरुआत होती है और बॉल अभी भी पी एच जी के पास ही होती है, और ये लगातार तीसरी टाइम है जब पी एच जी के पास बॉल है और ब्लू लॉक का नंबर वन इतोशी रिन के पास है। सिर्फ गोल करना ही रिन का ईगो नहीं है, उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। और अभी रिन को एक और बार मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और रिन को देख के बता सकते हैं कि वो अभी फुल फॉर्म में है। और वो अभी इसे कि वो एकदम कंफ्यूज और शॉक होता है, और वो बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, रिन ने गोल क्यों नहीं किया। और अब वो वापस शुरुआत से शुरू कर रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है और वो गोल उससे शूट नहीं हुआ। ये पागल हो चुका है एक मॉन्स्टर की तरह। ये जो भी है ये क्या इसे समझना आसान नहीं हो सकता? उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे रोकूं? और अभी कोई लॉजिक लगा कर भी इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये बहुत भयंकर है और डरावना है। और रिन फुल मॉन्स्टर के मोड में है, इसाकी के सामने आता है। तभी रिन बोलता है, क्या हुआ, बस थक गए क्या तुम, अभी कुछ नहीं कर सकते? इसाकी, योची अगर मेरे सामने आना है तो मरने का सोच के आना, आओ मरो। मुझे तुम्हारा ऐसा एग्जिस्टेंस की वजह से तुम मेरे राइवल्स में से डिस्क्वालीफाई हुए हो। और रिन अभी जिस तरह से इसाकी के बाजू से निकला है वो अभी एक मॉन्स्टर है। और तभी इसाकी नीचे गिर जाता है। तभी राइची बोलता है, क्या कर रहे हो इसाकी? और इसाकी बोलते हैं, क्या मैं मरने के बारे में सोचूं? शट्टा, ये अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। ये रिन के रिजॉल्व से अलग होगा, लेकिन चाहे मैं कितनी बार भी हारूँ, अगर मैं मर भी गया तो मैं हर बार रिबॉर्न होकर वापस आऊँगा, क्योंकि मैं इसाकी योची हूँ, एक जीनियस जो हर नए कंडीशन को एडजस्ट करना जानता है। और तभी रिन बॉल चार्ल्स को पास करता है और बोलते हैं, हे यू इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रेंट, यानी कि वो जो अपने स्किल्स को अच्छे से दिखा नहीं पा रहा है और किसी के सुनता नहीं है। मुझे तुम्हारे ये केयरलेस पासिस नहीं चाहिए, एडजस्ट मत करो, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। और जैसे कि चार्ल्स सुनता है वो फुल चार्ज हो जाता है और बोलता है, ऑल राइट आई गिव यू द नेस्टिस पास। राइची बोलते हैं, हियर इट्स कम, सब तैयार रहना। और जंजीसू भी वहाँ आता है और अपने सुपर एक्सीलरेशन के साथ। और रिन बोलता है, तुम सब लोग अब ख़त्म हो चुके हो, अब ये सिर्फ सॉकर नहीं है, इसके बदले एक दूसरे को मारते हैं। और चार्ल्स गोल की तरफ जा रहा होता है और बोलता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो पागल हो चुका है। और बॉल को शूट करता है गोल की तरफ, लेकिन बॉल मिस होती है, ऊपर उठती है। राइची बोलता है, सबको अंदर खींचने के लिए और एक डिस्टेंस एरिया में क्रॉस करना है। योरी बोलते हैं, ये क्या है, टॉप लेवल की टेक्निक है, ये पास कोई सिर्फ एक ही बंदा रीड कर सकता है, और वो है इतोशी रिन। रिन और शिडो दोनों आते हैं और शिडो हंसते हुए बोलता है, एक स्पेशल डेविल यू गुफी मैन, तुझे मारने आया हूँ, अनऑफिशियल राइवल। चार्ल्स बोलता है, डैश राइट, ये सबसे नेस्टिस पार्ट है, शूटिंग पॉइंट जहाँ तुम दोनों जा सकते हो, जाओ और एक दूसरे को मार दो। स्ट्राइकर्स, यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और ये बताना बहुत मुश्किल है कि आगे गोल कौन करेगा, ये फील्ड को अपनी तरफ लेगा, क्या ऐसा कि इन दोनों को रोक सकता है, क्या रिन नहीं तो शिडो दोनों में से गोल करेगा। मेरे ख्याल से रिन ये पक्का गोल करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो क्या होगा, शिडो और रिन दोनों साथ में एक साथ गोल करेंगे, मतलब दोनों का पैर लगेगा, नहीं तो दोनों का हेड लगेगा, ऐसा कुछ तो होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो और एक मुझे अनाउंसमेंट करनी है, तो मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स पे एक नई सीरीज चालू की है जहाँ पे आप लोग पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। कैसे, तो ये रील देखो। वेलकम एस्पायरिंग पोकेमॉन मास्टर, आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन एन एपिक एडवेंचर टू बिकम द अल्टीमेट पोकेमॉन चैंपियन? द रोड अहेड इज फिल्ड विद थ्रिलिंग बैटल्स, टफ डिसीजंस एंड काउंटलेस चैलेंजेस, बट विद डिटरमिनेशन एंड स्किल यू विल राइज टू द टॉप। In this journey, you guys have to take decision. Basically, you have to play. Would you rather if I choose this Pokemon for my journey? So your task, which Pokemon you choose to become Pokemon champion, and you gonna choose from poll. So I will give daily quest for example. If I choose boy, and my first Pokemon is Scorbunny. So your task is to tell me in poll or comment would rather be boy or girl. Would you rather choose Scorbunny, Grookey, Sobble? And for attack in battle, I'll give you number of attack that you have, 10 number of attack, and you have to choose which 10 attack you choose to win battle. I think now everybody understood. If you not understand, ask me in comment section. And Jackie Instagram mein follow karo, aur main YouTube pe bhi short speed daily upload karunga. 30 days ka challenge hai. Okay, bye bye, see you in the next video.